विक्की के लाड को ऑर्डर करना, बढ़िया। आ रहे हो फिर मैं रिसेप्शन पे? तो अभी मम्मी पापा जा रहे हैं बुआ सा के शादी में, और बुआ सा के बेटे की शादी है विक्की की, मेरे भाई की, और मैं अभी जा नहीं पा रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बुखार उखार हो रही है। तो मैं और मैंने प्रीति को बुलाया मेरे पास, तो वो आ जाएगी फिर हम दोनों रहेंगे घर पे। बाय। ये नो टफी, आजा टफी, आजा 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 बेटा आजा। आ रहे पापा भी आ रहे, आजा टफू कम टफी। तो मम्मी पापा गए शादी में और इधर चल रहा है घर का काम, इसलिए मुझे अभी यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब हो रही है इस वजह से मैं गई नहीं, और आई थिंक रिसेप्शन पे मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ मैं घर जाऊंगी, मतलब रिसेप्शन पे जाऊंगी। और ये हमारी टफी और मैं, अभी हम दोनों ही हैं घर पे, और प्रीति को बुलाया है। पापा गए, पापा गए, मम्मी गए, टप्पू मम्मी गए, कहाँ गए, कहाँ गए? कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, आ जाएंगे, अभी आ रहे हैं वो टॉप। तो हेलो गाइस, अभी मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने पहनी रेड कलर की ड्रेस, और ये इन्होंने एनिवर्सरी के लिए बनवाई थी, बट उस टाइम पे रेड ही नहीं हुई थी, तो इन्होंने गिफ्ट में ये वाली ड्रेस बनवाई थी, बहुत सुंदर ड्रेस है। तो अभी मैंने ये पहनी है, उन्होंने पहना वाइट सूट, और अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग 4 बजे निकल रहे रिसेप्शन के लिए। तो अभी मतलब ये दिन में सो गए थे इस वजह से हम लेट हो गए, और नीचे से एनिवर्सरी पे बनवाई थी मेरे लिए, तो ये था मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट। और कैसी लगी ड्रेस कमेंट करके जरूर बताना, और अब हम ले लेते थोड़ी फोटोज खींच लेते। बाय। अभी टफी को बाय बाय बोलते हुए हम लोग जा रहे शादी में, और चले तो अभी हम लोग तैयार होके और निकल गए हैं, और अभी हम लोगों को जाना निवाई बुआ सा के घर पे, क्योंकि हम उनकी शादी में नहीं जा पाए थे, बिकॉज मेरे देवर की शादी थी तो ये उधर शादी अटेंड कर रहे थे, और मैं यहाँ पे मम्मी के पहले आ गई थी, और मैं शादी के लिए आई थी, बट मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, बुखार बुखार हो गया था, तो मैं गई नहीं थी, तो इसलिए हम लोग आज जा रहे रिसेप्शन में। और इन्होंने पहना है वाइट सूट, मैंने पहनी रेड ड्रेस, बहुत सुंदर ड्रेस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाय रिंग रोड, और हमारे घर से थोड़ा सा आगे चलते ही रिंग रोड स्टार्ट हो जाती है। ये है रिंग रोड हमारे घर के थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे चलते ही हमारी रिंग रोड बहुत अच्छी बन गई है। इधर से हमको सीधा टोंक रोड पे पहुंचा देती है, उधर से हमको सीधा अजमेर रोड पे पहुंचा देती है, तो बहुत अच्छा रास्ता है ये, आजकल हम लोग इसी से आते जाते हैं, तो बहुत मतलब कम भीड़ वाला रास्ता है। अदरवाइज अगर हम टोंक रोड से जाते तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता। अब भी हम लोग इधर उतर रहे हैं, बिकॉज मैंने इनको बोला मेरे को फ़ोटो लेनी है, और अभी जीजा और भी आ रहे हैं तो उनका वेट भी करना है, तो अभी हम लोग इधर रास्ते में रुक के और फ़ोटो लेंगे पहले।
अभी जीजा और भी आ गए हैं, ये बड़े जीजा की गाड़ी है और पीछे एक मीना जीजा की गाड़ी आ रही है। तो अभी सबसे आगे है बड़े जीजा की गाड़ी, उसके बाद है मीना जीजा की और उसके बाद है हमारी। अभी हम पहले कहीं रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे आगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे मिलवाती हूँ आपको। इधर लगा दो, इधर ये कौन हुआ, कौन है? टीना जीजा है ना? टीना जीजा पहनो तो सही। अभी हम लोग रुके हाईवे पे। हेलो, ये हाय यश, हेलो। अरे ये चंचल जीजा, ये टीना जीजा है, अरे ये हमारा वंश है, ये मीना जीजा है और ये मैं हूँ। स्टार्ट। थोड़ी सी लंबी सिलती थी कुर्ती, ये स्लीव्स। हाँ पी के और अभी निकल रहे हैं हम, फटाफट से बैठ जाती हूँ मैं गाड़ी में क्योंकि मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बुआ सा के घर। ये पापा की गाड़ी, वो जीजा की गाड़ी, वो मीना जा की गाड़ी, हमारी गाड़ी और ये बुआ सा का घर। तो ये है हमारा भाई विक्की और ये है हमारे नए भाभी सा। ना यार ब्लॉग तो करे पीछे आने। देखना, अरे हटो, अरे रुको रुको रुको, अरे इनके भूल गए, चलो शायद आगे भी।
उसके बाद पूरी फैमिली से मिले, फ़ोटो वोटो ली, खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए वापस जयपुर के लिए।